Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. बंद घर में 10 घंटे बाद महिला का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। पति ने किरायेदार पर लगाया आरोप। दरअसल मेरठ कंकर खेड़ा के आनंद विहार कॉलोनी निवासी राजकुमार उर्फ नीटू ने बताया कि वह अपनी पत्नी रितु और बच्चों के साथ वहां रहता है। दोनों की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। राजकुमार देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और उसका 18 वर्षीय बेटा क्रिश भी उसके साथ वहीं देहरादून में पढ़ाई कर रहा है। उसकी 5 वर्षीय बेटी है जो यहीं अपनी माँ के साथ रहती थी। यहाँ उसका मकान है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर निखिल अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है और सेकंड फ्लोर पर एक किराएदार रहता है जो पिछले 15 दिन से घर से बाहर गया हुआ है। बृहस्पतिवार को नीटू की 5 वर्षीय बेटी स्कूल से जब लौटी तो उसने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है, जिसे देखकर वह अपनी बुआ के घर चली गई। शाम तक महिला के घर न लौटने पर बच्ची ने देहरादून भाई और पिता को फोन किया। राजकुमार ने पड़ोसी को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद पड़ोसी युवक ने घर में सीढ़ी लगाकर देखा तो हाथ पैर बंधा महिला का शव किराएदार निखिल के फ्लोर पर पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को देने पर पुलिस ने मुख्य दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला व पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पति राजकुमार ने किराएदार निखिल और उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। किराएदार निखिल और पत्नी मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अंदर बाहर से चाबी का सेट होना ना, देख लो जाता हां ये है, ये पढ़ना ये नहीं होगा, नहीं होगा, हां यहां होगा ये डेड बॉडी कहाँ मिली इनकी? नीचे जिसमें किराएदार। बहन जी ये उनकी बहन बंद है? हाँ ये अच्छा बहन जी आप ये गुड़िया आई थी उस टाइम क्या बताया इसमें? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।